मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व के दावे के बाद सांसद नकुलनाथ ने उपचुनाव को लेकर मैदान संभाल लिया है। अपने पिता कमलनाथ की वापसी के लिए नकुलनाथ ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिससे बीजेपी की चिंता भी बढ़ सकती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सांसद नकुलनाथ ने संभाला उपचुनाव का मैदान, कर्ज माफी को लेकर बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें, कमलनाथ की सियासी विरासत को रफ्तार देने निकले नकुल, नकुलनाथ के ट्रम्प कार्ड से कांग्रेस होगी रिचार्ज। छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ द्वारा प्रदेश में युवाओं के नेतृत्व पर अपनी दावेदारी ठोके जाने से उन नेताओं के हाशिए पर जाने की संभावना बढ़ गई है, जो बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए बेताब दिख रहे थे। वहीं अब नकुलनाथ ने इन सब के बीच उपचुनाव को लेकर मैदान संभाल लिया है और ऐलान कर दिया है कि वे कर्ज माफी के मुद्दे पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएंगे। हमारा किसान परेशान नहीं था, किसानों का कर्जा माफ हो रहा था, यूरिया की कोई कमी नहीं थी। ये तो मेरा मानना है कि 15 महीने जो भाजपा के दलाल बेरोजगार थे, आज उन्होंने यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है और आने वाले समय में हमारा किसान भाजपा को जवाब देगा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के अचानक कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने से राज्य की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। कांग्रेस के गुटीय समीकरण भी पूरी तरह बदल गए हैं। 4 दशक से भी अधिक समय से कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सिंधिया विरोध की राजनीति करते हुए अपना वर्चस्व कायम रखे हुए हैं। अब ये दोनों नेता अपने अपने बेटों के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह को कमलनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में सीधे कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी थी। कमलनाथ अब चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह भी नकुलनाथ को युवा नेता के तौर पर स्थापित करने में मदद करे, लिहाजा उपचुनाव की युवा आवाज बनकर नकुलनाथ अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।